हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विनोद पारिक। फ्रेंड्स, आपने कई बार इस तरह के सेंटेंस बोले या सुने होंगे, जैसे वह इंग्लिश बोलने की आदत डाल रहा है, तुम सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, मैं किताब पढ़ने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल रहा हूं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोले, उसी पर आज का हमारा वीडियो है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम डेवलप द हैबिट ऑफ का इस्तेमाल कर सेंटेंस को बोलते हैं। डेवलप द हैबिट ऑफ का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज या काम की आदत डालना या किसी नई आदत को शुरू करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर एग्जांपल्स के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में डेवलप द हैबिट ऑफ, उसके बाद में वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यानी जेरेंड के रूप में बताना पड़ेगा, जिस काम की आप आदत डाल रहे हैं उस काम को बताने के लिए। या फिर किसी चीज की अगर आप आदत डाल रहे हैं तो उसको नाउन के रूप में दिखा सकते हैं, उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट आप दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डेवलप द हैबिट ऑफ टेंस के लिहाज से चेंज हो सकता है, जैसे डेवलप, डेवलप्ड, डेवलपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही इज डेवलपिंग द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलने की आदत डाल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ फेस मास्क, आपको फेस मास्क की आदत डालनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक्शन को नहीं बताया है, हमने नाउन के रूप में फेस मास्क को दिखाया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठने की आदत डालूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज डेवलप्ड द हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, उसने समय पर आने की आदत डाल ली है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए कुछ और सेंटेंसेस है जिनको सीखने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको बिना सब्जेक्ट के किसी को बोलना पड़ता है कि ये आदत डाल लो या ये आदत मत डालो, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बिना सब्जेक्ट के कैसे बोलते हैं, चलिए सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपको सीधे सीधे डेवलप द हैबिट ऑफ बोलकर वो एक्शन को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कुछ, जैसे डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग, सुनने की आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग टू बेड और स्लीपिंग अर्ली, जल्दी सोने की आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर और बुक्स, किताबें पढ़ने या न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ स्टडिंग डेली और एवरीडे, रोजाना पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डेवलप द हैबिट ऑफ वॉकिंग और गोइंग ऑन फुट, पैदल चलने की आदत डालो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि यह आदत मत डालो तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे डायरेक्टली, चलिए उसको सीखते हैं। जैसे डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ कार, कार की आदत मत डालो। फ्रेंड्स, हमने यहां पे नाउन के रूप में उस चीज को बताया है, यहां पे हमने कार बताया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ कमिंग लेट टू द ऑफिस, ऑफिस को लेट आने की आदत मत डालो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई, झूठ बोलने की आदत मत डालो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ स्लीपिंग इन डे टाइम और इन द आफ्टरनून, दोपहर में या दिन के समय में सोने की आदत मत डालो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल और स्मोकिंग, सिगरेट पीने की या शराब पीने की आदत मत डालो। लास्ट एग्जाम्पल है, डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ स्टेइंग और बीइंग अलोन, अकेले रहने की आदत मत डालो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेवलप द हैबिट ऑफ का स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अपने रेगुलर कन्वर्जेशंस में इनका इस्तेमाल करें, खुद से सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।